ये जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त किए गए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दिनेश्वर शर्मा इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज वो जम्मू में मौजूद हैं, जहां उन्होंने विभिन्न डेलीगेशन से बातचीत की और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दों पर खूब चर्चा भी की। देखिए, आज इंटरलोक्यूटर दिनेश्वर शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई है और पैंथर्स पार्टी की तरफ से हमने मेमोरेंडम भी पेश किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि हालात ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी और पीडीपी ने जो आपस में हाथ मिलाया इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस के दौरान इन्होंने ये कहा था कि ये एक दूसरे को सत्ता में किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगी, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन होने के बाद इन्होंने हाथ मिला लिया और सत्ता की खातिर जो है एक अलायंस जो है इन दोनों ने मिलकर बना दिया, जो यहाँ रियासत के लोगों को गवारा नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी इसका एडवर्स रिएक्शन हुआ और लोगों के अंदर एक बहुत भारी रोष, एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये बातें बड़ी क्लियर हैं और ये बातें कमिटमेंट है भारत के प्रधानमंत्री की पूरे मुल्क के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इसमें इसमें किसी किस्म की डाइल्यूशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मेन के लिए ये कहा कि बॉर्डर पर जो मंत्री आता है कहता है 5 मरले का प्लाट दे देंगे। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं 47 से पाकिस्तान के हमलों का बर्दाश्त करता रहा हूँ, मेरा ख़ानदान कठुआ में, मुझे पता है कि बॉर्डर की क्या प्रॉब्लम है। एक एक इंच पाकिस्तान ने आबाद किया, हमारे खाली पड़े, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कोई मंत्री आता है 5 कनाल दे देंगे, किसान ने क्या करना है, 5 मरले क्या करना है, उसकी गाय है, भैंस है, उसके नौकर हैं। तो मैंने इसको नहीं कहा, ये शर्मा ही नहीं है, आज मुझे उसकी चिट्ठी भी आई है होम मिनिस्टर की, उन्होंने बहुत वेलकम किया था, इसी तरह हम मिले थे। मैंने कहा बॉर्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाओ, जम्मू कश्मीर बॉर्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखा आपने कि किस तरह विभिन्न डेलीगेशंस के लोगों ने दिनेश्वर शर्मा से बात की और अपने मुद्दे उनके सामने रखे। अब देखना यही है सरकार द्वारा इन मसलों पर क्या एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ ये बातें बातें ही बनकर रह जाएंगी।